बात कानपुर की। कानपुर की कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह इलाके से 25 फरवरी को लापता हुए बच्चे की लाश उसी के पिता की कार की डिग्गी में मिली। बच्चे के परिजनों का कहना है कि आफ्ताब जब गायब हुआ था उसके बाद इसकी सूचना कर्नलगंज थाने को दी गई थी। उसे ढूंढने के लिए शहर में एनएस भी कराया गया था। दोपहर को भी कार की डिग्गी खोली थी, तब लाश कार में नहीं थी, लेकिन जब करीब 8 बजे जानकार का पिछला दरवाजा खोला गया तो बच्चे की लाश कार में बरामद हुई। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उनके बेटे को बेरहमी से मार दिया गया। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। अच्छा, क्या किसी से आपकी दुश्मनी थी?